आज हम लोगों को कृषि नीति पढ़नी है। हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि पॉलिसी क्या होती है, कैसे फॉर्मुलेट होती है, पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे इसकी प्राइमरी टेस्टिंग होनी चाहिए, कैसे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाना चाहिए, कैसे इसको जनरलाइज किया जाना चाहिए। हमने बहुत सारे प्रोसीजर बड़े विस्तार में देखे हैं और हमने ये भी देखा था कि जिस पर्टिकुलर उद्देश्य से हम कोई नीति घोषित करते हैं उसको उसी नाम से जान लेते हैं। जैसे हमने अगर उद्योग के लिए कोई नीति घोषित की तो हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। कृषि के लिए अगर हमने कोई नीति घोषित की तो उसे हम कहते हैं कृषि नीति है। कोई भी नीति घोषित करने के पहले यह आवश्यक है कि हम जिस एरिया के लिए, जिस सेक्टर के लिए, जिस एरिया के लिए या जिस सेक्टर के लिए कोई नीति आप बना रहे हैं उस एरिया के बारे में पूरा फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। अर्थात उस एरिया के कंटेंट क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं, सब कुछ जब तक आप नहीं जानते रहेंगे। क्या आपको फोकस करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या फोकस करना है। जैसे पढ़ना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है लेकिन क्या पढ़ना है यह जानना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। जैसे आप ये कहें सर मैं तो रात भर पढ़ता हूँ लेकिन परीक्षा में फेल हो गया, तो मैंने पूछा अच्छा तो रात भर पढ़ते हो? कहा हाँ सर, लेकिन मैं प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ता था रात भर। तब क्या होगा, आपकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है लेकिन रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपके पक्ष में नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट यह जानना है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। और जो आप मेंटर देखते हैं, गाइड देखते हैं, जो आप ट्यूटर देखते हैं, इन सब का रोल ईमानदारी से क्या होता है, वो यही है। मेंटर इसीलिए होता है कि जो आपको सही दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, आपको यह बताता है कि सही में क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि केवल परिश्रम सफलता नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए कहते हैं ना कि हार्ड वर्कर नहीं स्मार्ट वर्कर सफल होता है। सफल कौन होता है? स्मार्ट वर्कर होता है। खाली काम करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो हमको उस एरिया का पूरा सामान्य ज्ञान जिसको आप कहते हैं वह जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नीति में पढ़ेंगे ही क्या, ठीक है। तो जब हम कृषि की बात करते हैं तो चलो हम पहले एक कृषि का फ्रेमवर्क बना लेते हैं अपने दिमाग में क्या है। एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से जितने जुड़े मुद्दे हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो खेत का ही है। क्या है? खेत का है। तो अगर हम खेत से ही शुरू करें तो खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी हो सकते हैं, कम उपजाऊ भी हो सकते हैं, बंजर भी हो सकते हैं। इसका मतलब खेत की कैटेगरी अलग अलग होगी जिसको हम ईमानदारी से उनकी जो क्वालिटी है उसको हम मालगुजारी के माध्यम से डिसाइड करते हैं कि कितने चार आना मालियत का है, कि आठ आना मालियत का है, कि एक रुपए की मालियत का है। ये मालियत कैसे तय होती है? उसे क्वालिटी ऑफ लैंड से, भूमि की किस्म कैसी है। तो अब अगर ये इतने तरह की होती है तो उससे जुड़े हुए और दो तीन लोग हैं भाई, किसी की होगी या कोई किसी से लेकर खेती कर रहा होगा या कोई उस पर केवल खेती कर रहा होगा। इसका मतलब वो भूमि है तो भूमि का स्वामी होगा, किराए पर लेकर रहा है तो काश्तकार होगा, केवल खेती कर रहा है तो खेतिहर मजदूर होगा। इसका मतलब खेती में कितनी चीज़ें आ गई, भूमि आ गई, भूमि का प्रकार आ गया, भू स्वामी आ गया, काश्तकार आ गया, खेतिहर मजदूर आ गए। इतने सारे अगर शामिल हो गए तो अब ये सब के सब तो जीव है ना, तो इनका अपना भी तो कुछ होगा। इनकी अब इनका क्या होगा,
इनकी आय होगी भाई कितना पा रहे हैं, इनका जीवन स्तर कैसा है ना? दूसरे अब इनको आप किस रूप में डिफाइन करेंगे? जो भूमि आप देख रहे हैं तमाम तरह की है, वह अब साइज में भी अलग अलग होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत छोटी होगी, कम छोटी होगी, तो सरकार ने उसको भी सीमांत, लघु, मध्यम और बड़े किसान, किसानों को भी कैटेगरी कैसी बना दी? सीमांत किसान वो किसान है जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि होती है। मार्जिनल फार्मर्स किनको कहा जाता है? जिनके पास खेत एक हेक्टेयर से कम होता है। लघु किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम होता है। और एक हेक्टेयर और दो हेक्टेयर से कम के बीच के जो किसान हैं, देखिए इसमें एक डेटा हम जानबूझकर आपको दिखा दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में 86% ऐसे हैं लोग, ध्यान दीजिए कितना बड़ा डेटा है, 86% लोग ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है, इसका मतलब लघु किसान है। और दो हेक्टेयर का मतलब, अब आप ये भी जानिए कि हेक्टेयर क्या होता है, तो हम भूमि जो होती है उसका जो मापक है जिसके आधार पर मापते हैं उसे हम डिसमिल से शुरू करते हैं, बिस्सा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है वो 1365-70 स्क्वायर फीट को एक डिसमिल कहा जाता है। कितना कहते हैं? एक डिसमिल। और इसी तरह एक बिस्सा, सॉरी, इसको एक बिस्सा कहते हैं 1365 स्क्वायर फीट को, और 3 डिसमिल को लगभग लगभग एक बिस्सा माना जाता है, ठीक है, और 20 बिस्सा हो जाता है तो स्टैंडर्ड एक बीघा माना जाता है ना, और अगर 4 डेढ़ बीघा हो जाता है उसको एक एकड़ कहा जाता है, 4 बीघा हो जाता है उसको एक हेक्टेयर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कहते हैं कि 2 हेक्टेयर से कम है, इसका मतलब कि 7-8 बीघे से कम हमारी 86% लोग हैं, यानी बहुत बड़ी जनसंख्या के पास खेत बहुत ज़्यादा नहीं है ना? तो और 2 से 5 के बीच में मध्यम खेत हैं, 2 एकड़ से ऊपर जो 10 एकड़ के बीच में हैं, और 10 एकड़ के ऊपर जो हैं उनको बड़े किसान कहे जाते हैं। तो 10 एकड़ के ऊपर आप देखिए केवल मुश्किल से 0.57% एकड़ है, हाँ, 4 बीघा 1 हेक्टेयर, 1 बीघे में 20 बिस्सा, 1.5 बीघे में 1 एकड़, 1 हेक्टेयर से कम जो है वो सीमांत है, 1 से 2 के बीच में जो है वो लघु हैं, 2 से 10 के बीच में जो है उन्हें मध्यम कहते हैं, और 10 के ऊपर जो है उनको हम बड़े किसान कहते हैं, और वह जनसंख्या बहुत कम है। कितनी है? 0.57%, इसका मतलब 1% भी नहीं है, ठीक है। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। खैर, ठीक है, तो यह है सामान्य फ्रेमवर्क है खेत का। इसके बाद अब आप देखिए क्या हो गया कि इतनी सारी चीज़ें अगर आप जान गए तो अब जानना यह है कि जो खेत है उसमें कुल कितना उत्पादन है और उस खेत की उत्पन्न करने की क्षमता क्या है, जिसको उत्पादकता और उत्पादन कहते हैं। प्रति, अब उसको प्रति एकड़ भी कह सकते हैं, प्रति हेक्टेयर भी कह सकते हैं, प्रति बीघा भी कह सकते हैं, कि 1 बीघे में अगर आप 1 कुंटल गेहूँ पैदा करते हैं, दूसरा आदमी 1 बीघे में 1.5 कुंटल गेहूँ पैदा करता है, तो किसकी उत्पादकता ज़्यादा है? यह है, तो प्रति इकाई उत्पादन को हम उत्पादकता कहते हैं, और सारे उत्पादन को जोड़ देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उत्पादन कहते हैं, कुल उत्पादन। तो हम अब अगर आप चाहते हैं कि सबका पेट भरा रहे, सबको खाना मिल जाए, ठीक है, तो जैसे अभी का डेटा यह है लगभग कि 300 मिलियन टन की जरूरत पड़ेगी 2025 तक,
लगभग 30 लाख करोड़ टन, कितना 30 लाख करोड़ टन, ठीक है, तो 300 मिलियन, 30 लाख टन, मिलियन में यह ज़्यादा सही है, 300 मिलियन टन तुमको चाहिए, 272 मिलियन टन के आसपास एक्सपेक्टेड था कि इस बार जो होगी फसल वो लगभग इतनी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जितना हमको चाहिए हम लगभग उसी हिसाब से आगे बढ़ भी रहे हैं, अगर 1.5% 2% भी ग्रोथ रेट बनी रही है कृषि अर्थव्यवस्था की तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो एग्रीकल्चर में उत्पादकता ज़्यादा हो, उत्पादन ज़्यादा हो, कृषि उत्पाद में विविधता हो और बढ़िया दाम मिले, सबकी आय बढ़े, किसानों का जीवन स्तर सुधरे, यही सब तो उद्देश्य होंगे ना भाई कि किसी तरह से प्राप्त किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि कृषि में ठीक ठाक उत्पादन हो, तो उत्पादन होने के लिए अब क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखो आउटपुट अगर आप फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए इनपुट पर ध्यान रखना जरूरी है। इनपुट क्या होगा, जो खेत में बीज लग रहा है इसका मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी बेस्ट क्वालिटी का सीड किसान को मिलना चाहिए, पहली जरूरत हो गई। अब बीज मिल गया तो उसके साथ खाद भी चाहिए, तो इसका मतलब कि खाद अच्छी क्वालिटी की पर्याप्त मात्रा में कम दाम पर किसान को और समय पर मिल जानी चाहिए। अब ये सब खरीदने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, इसका मतलब उसको क्रेडिट की सुविधा भी समय पर मिल जानी चाहिए, ठीक है, और आसानी से यानी ऋण मिल जाना चाहिए, ये सब कुछ मिल जाए, इसके बाद वो सिंचाई कर सके समय से, तो डीजल भी सस्ता रहे और लाइट भी 24 घंटा गांव में रहे कि ना रहे ना? इसके बाद अब उसकी फसल सही सलामत पैदा हो जाए, बाढ़ तूफान सूखा न आए, ये तो उसके हाथ में है नहीं, आ सकता है, अगर आ गया तो उसकी फसल अगर नुकसान हुई तो उसका पूरा बीमा हो ताकि उसका कोई नुकसान न होने पाए, उसे पैसा पूरा मिल जाए। अब यह इतना सब होने के बाद जब फसल उत्पन्न होकर आ गई तो वह उसे अच्छे दाम पर आराम से जहां चाहे वहां बेच ले, और अगर उस चाहता है कि अभी नहीं बेचेंगे हम बाद में बेचेंगे फायदा होगा, तो उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर उसके गांव में होना चाहिए, यानी स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए। अगर वो बेचना चाहता है तो उसे घर से मंडी तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उसके पास होनी चाहिए, सड़क बेहतर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए जो ले जाए ना। अब ये सारी चीज़ें अगर उसके पास हैं तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है, किसी नीति की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत इसीलिए नीति की है कि इसमें से बहुत और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो हमको इन्हीं को फोकस करने के लिए कृषि नीति बनाने की ज़रूरत है। इसका मतलब देखिए सारे सेक्टर है, अगर आप चाहते हैं बढ़िया खेती हो अच्छी हो तो खेती का मशीनीकरण हो, तो खेत में ट्रैक्टर भी पर्याप्त हो, कटाई की भी मशीन हो, थ्रेसिंग की भी मशीन हो, हर चीज़ की सुविधा हो, तो अब ये सारी सुविधा, सवाल ये है कि उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिलेगा, सस्ती दर पर मिले, सब्सिडी पर मिले, कम ब्याज पर मिले, कम कीमत पे सामान मिले, और तभी जाकर के उत्पादन होगा, और उत्पादन हो गया तो उसका एक कायदे का मूल्य, जैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मूल्य कितना होगा। देखिए जब आप मूल्य निर्धारण की बात करते हैं तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि कृषि पदार्थों के मूल्य निर्धारण की स्थिति डिफरेंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के मूल्य निर्धारण की स्थिति से। यहाँ मूल्य निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना है कि खेती की जो लागत है उस पर आप फोकस करिए, यह भी ध्यान रखिए कि कृषि और उद्योग के बीच का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस ना हो, वो बैलेंस्ड हो, ऐसा ना हो कि खेती में सामान जब पैदा होता है, क्योंकि खेती रॉ मटेरियल ही उपलब्ध कराती है, खेती आपको हमेशा कच्चा माल उपलब्ध कराती है, उद्योग उसको प्रोसेस करके उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे
खेती ने गेहूं उपलब्ध करा दिया, लेकिन इंडस्ट्री ने आपको ब्रेड प्रदान किया, तो ब्रेड बिना गेहूं थोड़े बनेगा। लेकिन अगर गेहूं और ब्रेड में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कैसा होना चाहिए, पता ये चला, जैसे आटा और गेहूं समझ लो, जैसे मान लो कि किसान से गेहूं खरीदा गया 15 रुपया किलो, और अब जब उसे आटा बना करके आशीर्वाद ने पैक कर दिया और बढ़िया चमकीले पैकेट में और दुकान पर ले आए तो कर दिया 40 रुपया किलो, तो किसान को मिला 15 रुपया, ठीक है, और उपभोक्ता को देना पड़ रहा है 40 रुपया। इसका मतलब कि 25 रुपया बीच में कौन ले रहा है, जिसने सिर्फ प्रोसेस किया है, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि उसका 15 रुपये से बढ़ करके 20 रुपया हो जाए और यह 40 रुपये से बढ़ करके 35 रुपया हो जाए घट करके, तब क्या होगा, तो उसकी भी आय 5 रुपया बढ़ जाएगी और उपभोक्ता को भी 5 रुपये का फायदा हो जाएगा और उसका लाभ थोड़ा 5 रुपया कम ही सही, भाई कितना कमाओगे ना। तो एक जो रेशनल परसेंटेज है, अगर आप किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं तो कृषि और उद्योग के बीच में व्यापार शर्त क्या करनी पड़ेगी, वो जेन्युइन करनी पड़ेगी ना, कि भाई उद्योग वाले उनसे उतना लें ताकि उनको भी सम्मानजनक मिल जाए और उतने में ही बेचें ताकि किसान उपभोक्ता को भी ज़्यादा असर न पड़े, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए सरकार नीतियों की घोषणा करती है जिसे आप कृषि नीति कहते हैं, क्या कहते हैं, कृषि नीति। तो देखिए कृषि नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यहाँ भी मैंने 4-6 लाइन कहीं से चुराया है, आप देख लीजिए। कृषि नीति के प्रमुख उद्देश्य है भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका संपूर्ण लाभ उठाना। ये सारी संभावनाएं ही तो हैं जितना मैंने आपको बताया, भाई आपको बेहतर सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो आपको संभावना तलाशना है कि कहाँ तालाब खुदवाना है, कहाँ कुआं खुदवाना है, कहाँ बोरिंग करवाना है, कहाँ पंपिंग सेट लगवाना है, ये सब क्या है, ये संभावना ही आपको तलाश करनी है ना। अगर आपको ज़्यादा उत्पादन करना है तो आपको बढ़िया क्रेडिट की सुविधा देनी है, आपको बढ़िया मशीनरीकरण करना है, बढ़िया खाद देनी है, बढ़िया बीज देना है, ये सब सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी ना। या उनको अगर बिकवाना है तो बढ़िया पास में मंडी का इंतजाम करना पड़ेगा, समर्थन मूल्य का निर्धारण करना पड़ेगा, उसको थोड़ा वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, उसे बढ़ाना भी पड़ेगा, लागत को ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत स्थितियों में देखिए खेती के संदर्भ में लागत कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, उसका कारण यह है कि बहुत सारी लागतें हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते और इसी कारण से शायद खेती को आज तक उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया। क्यों, क्योंकि लागत का कैसे हिसाब लगाते हैं आप, जब आप किसी वस्तु की उपज की लागत जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए रात भर में आप खेत में गेहूं की आप थ्रेसिंग करा रहे हैं, 5 मजदूर आपने लगाया था, रात भर उन्होंने थ्रेसिंग की है, और मान लीजिए कि घंटे के हिसाब से आप थ्रेसिंग का दे रहे हैं पैसा, तो आपने जो थ्रेसर को दिया वो जोड़ लिया, 5 मजदूरों को दिया वो जोड़ लिया, लेकिन आप 2-3 भाई बहन रात भर जगते रहे उसके साथ में, उसकी क्या लागत जोड़ी आपने, जोड़ी नहीं जोड़ी। तो इसका मतलब जो लागत जोड़ी आपने वो एक्चुअल लागत से 10-5% 20% कम हो गई भाई ना, उसमें अपनी मजदूरी क्यों नहीं जोड़ते। अगर 3 भाई रात भर लगे थे तो 500-500 रुपया अगर आपने सबको दिया था तो 1500 रुपया यह भी जोड़िए ना लागत में ना। खेत की सिंचाई हो रही है, एक आदमी खेत में रात भर जरूर सींच रहा है जिसको आप 500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन रात भर आप जग रहे थे कहीं मोटर का पट्टा ना टूटने पाए, उसके लिए आपको कितना मिला, नहीं मिला को पैसा ना। तो अपना भी 500 रुपया जोड़िए, जब आप हल जोतते हैं अपने हल बैल से जोतते हैं तो जोतने के लिए जिस मजदूर को लाते हैं उसको तो 500 रुपया देते हैं, लेकिन अपने हल बैल का आपने जोड़ा जो दिन भर में 200 रुपये का भूसा खा गया है, उसकी लागत कहाँ जोड़े आप। तो सही सही कृषि की लागत को जोड़ पाना बहुत कठिन है, और सही सही जोड़िए अगर तो जो आप 15-20 रुपये में गेहूँ बेचते हैं ना समर्थन मूल्य के नाम पर, वो वास्तव में सच पूछिए तो लागत का हिस्सा ही नहीं है कायदे से अगर आप निकालिए, वो तो खेती को आप खेती को उद्योग मानते ही नहीं। हमारे देश में एग्रीकल्चर इज ए बेसिक कल्चर, ये हमारी आधारभूत संस्कृति है, ये वास्तव में व्यवसाय है ही नहीं है,
इसीलिए हम लोग कितना पूजा पाठ करते हैं खेती में, फसल होती है तो पूजा करते हैं, शुरू करते हैं तो पूजा करते हैं, गन्ना पैदा होता है तो पहले शंकर जी को चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, ये सब क्या है? ये वास्तव में इसलिए है कि ये व्यवसाय ही नहीं है, इसको हम क्या समझते हैं, ये हमारी संस्कृति है, इसमें हम बंटवारा उटवारा का कोई हिसाब नहीं लगाते। घर में हमारे 5 लोग हैं, 3 लोग जो हैं 50 साल से ऊपर हैं, बुढ़े हैं, कभी खेत में देखने नहीं गए, लेकिन खाना सबसे पहले उन्हीं खिलाते हैं। उद्योग की बात करते, इकोनॉमिक्स बात करते तो कहते कुछ आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया इसलिए आपको भोजन नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गई। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसलिए कृषि हमारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण पवित्र व्यवसाय है, आप कहिए ये वास्तव में बहुत अच्छी है, हमें इसको जितना बेहतर बनाए रख सकें, जितना इसको मजबूत बनाए रखें, क्योंकि यह हिंदुस्तान में लोगों को जिंदा रखने का आधार है। जब सब फेल हो जाता है, सारे लोग कोरोना में जब बम्बई कलकत्ता दिल्ली से भागे तो भागकर किसकी गोद में आए? खेती की गोद में आए, बहुत साफ साफ ईमानदारी से, उसमें कोई लाग लपेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आकर के अगर नमक रोटी भी खाए तो किसने दिया? हाँ, जिसके नाम पर विकास का दावा करते थे और बड़ी ऊंची ऊंची हाँकते थे, वो सारे उद्योग धंधों ने मार मार के भगा दिया वहाँ से, किसी ने एक भी दिन किसी को खिलाया पिलाया? लेकिन खेती ने किसी से कहा कि भाग जाओ मेरे गांव में मत आओ? बल्कि गांव वाले बेचारे खुश हो गए, भला इसी बहाने चलो, कोरोना के बहाने ही आ जाओ गाँव में न। तो इसका मतलब ये कि जो कृषि है इसमें और ग्रामीण अवसंरचना को और अधिक दृढ़ बनाना, ताकि ग्रामीण अवसंरचना का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का है, सड़क है, लाइट है, बिजली है, पानी है, सफाई है, नहीं आवास है, शौचालय है, टेलीफोन है, इन सब को बेहतर कर देना, ताकि उससे गांव के लोग जो हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाए, सुधर जाए, अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, वो प्रसन्न रहें, उनकी बेसिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाए। गाँव और खेती दोनों को ईमानदारी से बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर आप ये सब कर दीजिए तो सबसे बड़ी समस्या जो खत्म हो जाए, जो ये बेचारे भाग भाग कोरोना में वापस आए, ये जाए ही नहीं, अगर इनका काम वहाँ चल जाए, इनको काम भर का काम वहाँ मिल जाए। अरे बहुत सारे लोग मुंबई कलकत्ता में जाकर के केवल किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए चले गए हैं कि यहाँ उनको 10 रुपये का भी काम नहीं मिल रहा है, वहाँ वो दिन भर मूँगफली बेचते हैं और 100-200 ही कमाते हैं, और बहुत ही खराब स्थिति में जीते हैं, कहीं भी सो जाते हैं रात में, जहाँ जगह पाते हैं, उससे अच्छा तो घर ही है, कितना भी खराब है तो कैसे। तो अगर यहाँ वो छोटा मोटा कुछ भी व्यवसाय पा जाए तो जो पलायन है गाँव से शहर में वह रुक जाए, और आपसे बताएं दोनों समस्या खत्म हो जाए, आपकी भी समस्या जो आप वहाँ दुर्गत झेल रहे हैं खत्म हो जाए, और शहर आपकी वजह से जिस दुर्गत में जा रहा है वह भी ठीक हो जाए। अरे बिना मतलब लोग भर गए ना अनायास, जिधर देखो उधर ही पगडंडी पर 10 लोग लेटे हुए हैं, चलना मुश्किल हो गया है रात में, तो इसका मतलब वहाँ फालतू पड़े हुए हैं ना भाई। तो ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बना दो कि वो गांव के भर के लोगों के लिए काम वहीं गांव में ही मिल जाए, तो नहीं जाएंगे, गांव भी सुंदर हो जाएगा, गांव भरा भरा रहेगा, गांव भी अच्छा रहेगा और शहर भी साफ सुथरा रहेगा, ठीक रहेगा। तो एक तरह से ये जो माइग्रेशन है शहर गांव से शहर की तरफ, इसको भी कृषि रोक सकती है, कृषि में इतनी अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। कृषि संबंधी विकास को प्रोत्साहन मिल सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना, कृषकों, कृषि श्रमिकों या उनके परिवारों हित समुचित जीवन स्तर प्राप्त हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो मैंने आपको ये सारी बातें बताई, तो यह एक सामान्य स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से हम कृषि, जिसके लिए कृषि नीति बनाई जाती है। अब कृषि नीति ईमानदारी से तो अभी जो 2020 में बनी हमको वही पढ़ लेना चाहिए भाई, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉपुलर कृषि नीति 2000 की आपकी किताब में लिखी हुई है, हम लोग 2000 की कृषि नीति पढ़ेंगे इसके बाद, और ये 2020 में जो 3 कृषि बिल आए हैं, वास्तव में अब तो यही कृषि नीति है ना, तो सवाल तो इस पर आएगा जो नया घोषित हुआ है, तो वो 3 कृषि बिल क्या हैं, हम लोग सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे, अभी उनकी न तो अच्छाई पर विचार करेंगे न उनकी बुराई पर विचार करेंगे, वह तो जब लागू होगा उसके बाद 4-6 साल बाद पता चलेगा कि वह अच्छा है या बुरा है। हाँ, हम उसकी इकोनॉमिक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। तो बाकी हम लोग 6 घंटे